बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, दंतेवाड़ा की बात करते हैं। नक्सली कैंप ध्वस्त हुए, यहाँ पर डीआरजी के जवानों ने नक्सली कैंप को ध्वस्त किया है। बड़ी तादाद में नक्सलियों से विस्फोटक बरामद हुआ है। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने पुष्टि की है, बेलाडीला की पहाड़ियों के पीछे मुठभेड़ हुई थी। 12 फरवरी को नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। आजाद सक्सेना हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आजाद, क्या जानकारी इस पूरे मुठभेड़ को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि कल दंतेवाड़ा से डीआरजी की टीम बेलाडीला की पहाड़ियों के तराई क्षेत्र में सर्चिंग पर निकली थी, जहां जो नक्सली कैंप था, क्योंकि वो पूरा क्षेत्र धूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां पे नक्सली कैंप को जवानों ने ध्वस्त किया और काफी देर नक्सली और पुलिस के बीच में जो जवान है डीआरजी के, उनके बीच में गोलीबारी चली और दोनों तरफ से तपत और गोलीबारी चलने के बाद में वहां से नक्सली भागने में कामयाब हो गए। वहीं जो घटना स्थल के सर्चिंग के बाद एक जो नक्सली था वो घायल अवस्था में मिला, जिसको जवान अपने साथ लेके आया। और वहीं घटना स्थल से बड़ी तादाद में जो विस्फोटक सामग्री मिली, नक्सलियों का जो आईडी है वो टिफिन बम, डेटोनेटर, वायर, पिट्ठू, ऐसे तमाम प्रकार के काफी तादाद में जो सामग्री मिली, तीर बम वगैरह, तो उसको लेके जवान वापस लौटे हैं। वहीं अभी भी सर्च ऑपरेशन उस क्षेत्र में चल रहा है, क्योंकि बेलाडीला की तराई क्षेत्र में जो बेलाडीला की पहाड़ी के पीछे एरिया पड़ता है, वहां पे बड़ी तादाद में जो नक्सलियों की उपस्थिति की खबर जो थी, जिस प्रकार से पश्चिम बस्तर का जो क्षेत्र है पहाड़ी के पीछे, वहां पे अब ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो ये पहाड़ी के आगे का जो क्षेत्र है मलंगिरी कमेटी और जो कटेकला नेरी कमेटी, यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरी तरह से पुलिस ने जो नक्सलवाद को खत्म करने का जो डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने एक बीड़ा उठाया था, वो कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध होता नजर आ रहा है। वहीं पहाड़ी के पीछे अब जो बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसका ये नतीजा है कि इतनी बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। जी चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।